Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Students, we started the lesson, awareness of crisis, accident and natural calamities, and we are done with the reading and explanation. And in the last class we have done two exercises, exercises number 1 and 2 in book. I'm showing you the exercise, hopefully you have completed. Open page number 50. देर इज़ एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 में आपके पास जो है वो आपको स्टेटमेंट में से राइट आंसर स्टेटमेंट फॉर गिवन एंड यू विल हैव टू टेक द राइट आंसर एज आई हैव डन. आप देख लीजिए, चेक योर आंसर, टेल योर आंसर एंड देन कम टू एक्सरसाइज नंबर 2. एंड इट वॉज एक्चुअली द मीनिंग्स, द वर्ड्स आर गिवन, देयर मीनिंग्स विल गिवन इन द नेक्स्ट कॉलम एंड यू कैन चेक योर आंसर. Okay, now we have exercise number 3. What is exercise number 3? It is work in pairs and choose the best answer to complete each of the following statements and write the complete statement in your notebook. Acha, isme to notebook mein karne ka likha hua hai, but this exercises you will do in the book only. Okay, so aapko wahi choose the best answer aapko lena hai. The first one is, the story is about a boy who is lost. या थिंक्स अबाउट अदर्स और लाइक टू वेस्ट हिज टाइम. तो वट विल बी लॉस तो नहीं हुआ था बॉय, वरना ही वो ही लाइक्स टू वेस्ट हिज टाइम. सो वट विल बी द करेक्ट आंसर. तो द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हु थिंक्स अबाउट अदर्स, द ब्लैंक्स आर गिवन. तो आप उसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है आप उसको लिख दीजिएगा. नाउ वट इज द नेक्स्ट इज द टेक्स्ट इन द बॉक्स टेल अस अबाउट डैश. जो बॉक्स में आपको नाम में पढ़ा था ड्यूरिंग अ फ्लड, आफ्टर अ फ्लड या बिफोर अ फ्लड जो पढ़ा था, तो वो आपको क्या बताता है. टेल्स अबाउट व्हाट थिंग्स दैट पीपल मस्ट डू ड्यूरिंग फ्लड टाइम्स एंड हाउ टू राइट नोट्स और द बॉयज लाइफ स्टोरी. सो इट इज़ ऑब्वियस दैट वो किसके बारे में बताता है, थिंग्स दैट पीपल मस्ट डू ड्यूरिंग द फ्लड और बिफोर द फ्लड और आफ्टर फ्लड. स्टूडेंट्स, द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट यू विल डू बाई योर सेल्फ. आपने चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, सो डू इट कम्प्लीट बाई योर सेल्फ. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 4. वॉट इज एक्सरसाइज नंबर 4? जुबैर एंड द रेस्क्यू वर्कर टोल्ड पीपल टू डू समथिंग बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फ्लड. द स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो इन अ जंबल्ड ऑर्डर. रीड द टेक्स्ट एंड टेक द करेक्ट कॉलम टू शो व्हेन पीपल शुड डू दीज थिंग. After you have done the exercise, discuss the answer with your friend. आपको पता है कि आपको जो है ये बॉक्स में जो नेक्स्ट पेज नंबर कहाँ पर था, इट वॉज ऑन पेज नंबर 48 पे आपको एक बॉक्स में जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिखाई गई थी एंड कि बिफोर अ फ्लड, ड्यूरिंग अ फ्लड और आफ्टर अ फ्लड क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए. तो आप जो है इस एक्सरसाइज में आपको यही करना है कि कुछ स्टेटमेंट जंबल्ड ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो हमें ड्यूरिंग अ फ्लड करना है या बिफोर अ फ्लड करना है या आफ्टर अ फ्लड करना है. फर्स्ट वन इज़ पीपल शुड कैरी ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स व्हाइल लीविंग होम. तो ये बिफोर अ फ्लड करने का कुछ चीज़ है या ड्यूरिंग या आफ्टर द फ्लड. इट इज़ ऑब्वियस दैट इट इज़ क्लियर दैट इट विल बी डन ड्यूरिंग द फ्लड टाइम. जब हमें वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि फ्लड इज़ ऑन द वे, तो फिर आप जो है ये हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स ही कैरी करनी चाहिए व्हाइल लीविंग द होम, बिफोर लीविंग होम. ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट थिंग, पीपल शुड पैक अ बैग विद इम्पॉर्टेंट आइटम्स. ये हमें कब करना चाहिए कि हमें एक अपना बैग हमें तैयार रखना चाहिए, उसमें इम्पॉर्टेंट आइटम्स हों. तो ये इट शुड बी डन बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर करना चाहिए. तो ये आपको करना चाहिए बिफोर अ फ्लड. तो इसका आप कहाँ मार्क करेंगे, किस कॉलम में मार्क करेंगे, बिफोर वाले कॉलम. पीपल शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स व्हाइल स्टैंडिंग इन वाटर. तो ये है, जब आप पानी में खड़े हों तो आपको टच नहीं करना चाहिए. तो ये किस टाइम की सिचुएशन में आपको मना किया जा रहा है, व्हेन इट इज़ प्रोहिबिटेड, इट विल बी बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर. तो ये भी ड्यूरिंग में आएगा, यानी इट विल बी, यू विल मार्क द टिक मार्क इन द सेकेंड कॉलम. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल सॉल्व द रेस्ट लेफ्ट ओवर स्टेटमेंट. अगर रिमेनिंग स्टेटमेंट मैं पढ़ देती हूँ, द ऑब्जेक्ट्स कवर विद मार्ट मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन. ये कब करना चाहिए, पीपल शुड लिसन टू द रेडियो एंड टेलीविजन फॉर फ्लड इन्फॉर्मेशन. पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम फॉलन पावर लाइन. पीपल शुड रिटर्न टू होम ओनली व्हेन दे आर टोल्ड इट इज़ सेफ. ऑब्वियसली कब कहा करेंगे आप, आफ्टर अ फ्लड. इफ द गवर्नमेंट टेल्स
people to leave their houses, they must do so immediately. People should not walk through flowing water. तो ये सब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप डिसाइड करिएगा, उस बॉक्स को रीड कीजिएगा और तो हाउ यू कैन गेट द आंसर. एक्सरसाइज 5. व्हाट इज एक्सरसाइज 5? मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद योर रीजंस एंड राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक. लेकिन आपको ये वाला भी काम अभी जो है आपको ये बुक में ही करना है. यू जस्ट मैच द स्टेटमेंट विद योर रीजंस. आप उसके रीजंस के साथ मैच करेंगे. फर्स्ट वाला आपके पास पहले स्टेटमेंट दी हुई है. इन द सेकेंड कॉलम यू हैव द रीजंस आर गिवन. आप फर्स्ट मैं बता देती हूँ क्या है. ज़ुबैर डिड नॉट ड्राउन बिकॉज. क्यों नहीं डूबा था, क्या वजह थी कि ही वो सेव्ड, वो बच गया था. बट हिज मदर फ्लडेड, वॉज लॉस्ट और उसकी मदर डूब गई थी. तो क्या था उसके हाथ में, बिकॉज ही हैड हेल्ड क्या कहते हैं लॉग, अ पीस ऑफ लॉग क्लंग किया होता है, हेल्ड कर ले क्लंग. बट वॉट इज द आंसर हेयर, वेयर यू कैन गेट द आंसर. आप देख लीजिए सीप जो है वो एक्चुअली इट मैचेस विद द नंबर 1. ज़ुबैर डिड नॉट ड्राउन बिकॉज ही हैड क्लंग टू अ लॉग. वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्लंग? क्लंग मीन्स होता है टू स्टिक, टू होल्ड, किसी चीज़ से चिमट जाना. सो दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई ही वॉज नॉट ड्राउन. ओके, ही वॉज सेव्ड. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट स्टेटमेंट. टीयर्स केम आउट ऑफ ज़ुबैर्स आइज बिकॉज. क्यों आ रहे थे उसकी आंखों में से आंसू, क्या रीज़न था उसकी आंखों में से आंसू आने का. वॉट इज़ द रीज़न? रीज़न आप देख लीजिए, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू हेयर कि ये किससे मैच हो रहा है. हिज मदर हैड ड्राउन इन द फ्लड वाटर. क्योंकि इसलिए आ गए थे उसकी आंखों में आंसू क्योंकि उसकी मदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनलकीली जो है वो अब फ्लड वाटर में क्या हो गई थी, डूब गई थी. सो यू विल हैव टू राइट द नंबर विद इट्स करेक्ट ऑप्शन. सो आई हैव रिटन द ऑप्शन. उसका ऑप्शन और नंबर आपके नेक्स्ट आंसर कॉलम में मैंने लिख दिया है. इसी तरह आपके पास दूसरी स्टेटमेंट्स हैं, आप देख लीजिए. ज़ुबैर वांटेड टू डू समथिंग, कुछ करना चाहता था. क्यों करना चाहता था? बिकॉज. आप इसमें से आंसर तो खुद देखिए और बताइएगा. ज़ुबैर वॉज अपसेट एट द रिलीफ कैम्प. क्यों वो अपसेट था रिलीफ कैम्प में, क्या वजह थी उसकी अपसेट होने की, क्यों वो सैड फील कर रहा था. बिकॉज द रीजन्स आर गिवन. ज़ुबैर woke up fresh and energetic in the end of the story. क्यों हुआ, क्यों fresh और energetic जो है वो उठा था at the end of the story. Because वो sometimes जो है वो कहते थे before the telling, before जो फ्लड के बारे में जो पॉइंट्स है उससे पहले वो फ्रेश और एनर्जेटिक नहीं था. जब उसने लोगों से शेयर किया तो उस रात जो है वो बहुत खुश हो रहा था. तो ये आंसर ये किससे मैच कर सकता है, ये इधर से हो सकता है. बिकॉज ही सॉ हिज मदर हैप्पी इन हिज ड्रीम. क्योंकि उसने अपनी वालदा को जो है वो बहुत ही खुश देखा था अपने ख्वाब में. सो इन दिस वे यू विल डू दिस एक्सरसाइज. बहुत ईजी है, आसान भी है. एंड इंशाल्लाह यू कैन, होपफुली यू कैन डू इट. Now we have exercise number 6. In exercise number 6, what you will do, you will have to put the summary. यहाँ पर आपको कुछ 11 points दिए हुए, तकरीबन 11 sentences are given. आप ये order में नहीं है, आपको according to the story जो है वो उसको order में करना है. You just have to give the number. You will have to write the numbers in the box. आपको story को जो है वो order में ला के उसको numbering करनी है, ठीक है. तो आप पहले इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सारे सेंटेंसेस को पढ़िए और जो जो कहते हैं जो इवेंट सबसे पहले, जो इंसिडेंट सबसे पहले हुआ है आप उसको नंबर 1 दीजिए. फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरा हुआ है देन नंबर 2. इसी तरह करते करते नंबर 11 तक आपको नंबर देने हैं. एंड वेयर यू विल राइट द नंबर, द बॉक्स आर गिवन, यू विल हैव टू राइट द नंबर इन द गिवन बॉक्सेस, ठीक है. आपको इसमें लिखने हैं. मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ देती हूँ और आप फिर मुझे इसमें से बताइएगा कि मैं आपके लिए फर्स्ट 2 और 3 कर देती हूँ फिर. ओके. अ वॉलंटियर एट द रिलीफ कैंप हेल्प्ड हिम डेवलप अ प्रोग्राम. इंस्टेड ही ड्रीम्ड दैट हिज मदर वाज नाउ हैप्पी एंड शी प्रेज्ड हिम. ही वांटेड टू डू समथिंग सो दैट पीपल वुड नॉट सफर एवरी ईयर. Every time he closed his eyes, he saw the scene of his mother being washed away by the fast flowing water. There he was upset to see the people suffering. He was all alone and sad because he had lost his mother in the flood. The night after the program, he did not see the scene of his mother drowning. Soldiers came in a boat and took him to the relief camp.
They gathered people and told them what to do before, during and after a flood. Zubair did not drown in the flood. At the relief camp, the flood victims were given food, shelter and medicine. अब आप ये देखा होगा कि ये सारे सेंटेंसेस जंबल्ड हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो कौन सा इवेंट जो है सबसे पहले हुआ है इन सारे सेंटेंसेस में. तो इट इज़ टू क्लियर दैट कि सबसे पहले यही आप सेंटेंस लिखेंगे, ज़ुबैर डिड नॉट ड्राउन इन द फ्लड. तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द बॉक्स, यू विल हैव टू राइट नंबर वन हियर. अच्छा, अब आप देखिए सारे सेंटेंसेस को दोबारा रिव्यू कीजिए कि इसके बाद जो है वो कौन सा इवेंट हुआ था, क्या चीज़ थी, कौन सा सेंटेंस आएगा जो मोस्ट सीक्वेंस यानी सीक्वेंस में हो, सीक्वेंशियल वे में हो. तो आप याद देख लीजिए, ही वॉज ऑल अलोन एंड सैड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज मदर इन द फ्लड. तो यहाँ पर आपको आ जाएगा नंबर टू. ओके, नंबर थ्री, व्हाट विल बी द नंबर थ्री इन दिस इन ऑल दीज सेंटेंसेस. तो नंबर थ्री विल बी, एवरी टाइम ही क्लोज हिज आइज ही सॉ द सीन ऑफ हिज मदर बीइंग वॉश्ड अवे बाय द फास्ट फ्लोइंग वाटर. तो आप इस तरह करके जो है वो आप सेंटेंसेस को ऑर्डर में करिएगा, एंड इंशाल्लाह ताला आई विल शो यू, आई विल सेंड यू द पीडीएफ टू चेक योर आंसर, टू टेल योर आंसर. ओके, सो कम टू एक्सरसाइज नंबर सेवन. इट इज़ ऑल्सो somewhat tricky exercise, somehow tricky exercise. Work in groups of three and discuss the possible reasons for the following statement. Possible answers are given in the box below, and there are four extra answers. Pick the answer that you think is the most suitable one. One is done as an example. Write the answers in your notebook. आपको ये भी काम बुक में करना है, अपनी नोटबुक में नहीं करना. मैं आपको शो कर देती हूँ कि आपके पास जो रीजन्स गिवन है वो ये बॉक्स में गिवन है, और ये आपको इसी में से, इन्हीं रीजंस में से, इसमें से देयर आर 11 रीजंस आ दिया, लेकिन इसमें से जो चार रीजंस हैं, बिकॉज वी हैव सेवन स्टेटमेंट एंड 11 रीजंस तो नहीं है लिखेंगे हम इसमें से, यानी जो फोर रीजंस हैं वो एक्स्ट्रा हैं. आप इसमें से जो अपना सूटेबल रीज़न होगा आप उसको पिक करेंगे, उसको जो गिवन स्पेस है उसमें लिखेंगे, यानी आप ये काम भी बुक में करेंगे. ओके, सो आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन एज एग्जांपल दिया हुआ भी है. ज़ुबैर एंड द रेस्क्यू वर्कर रोट द पॉइंट्स ऑन द लार्ज वाइट बेडशीट बिकॉज, क्यों लिखा था उन्होंने, क्यों ऐसा किया था, ऐसा क्यों किया था, क्या वजह थी कि उन्होंने बेडशीट पे पॉइंट्स लिख दिए थे. तो आप इसमें से गो थ्रू करेंगे, इसको रीड करेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको आंसर मिल जाएगा. इसलिए किया था कि दे डिड नॉट हैव लार्ज शीट्स ऑफ पेपर, कि उनके पास बड़ी शीट्स ऑफ पेपर नहीं थी, सो दैट्स वाई उनके पास कोई चॉइस नहीं थी. तो इस तरह इन्होंने ये आंसर यहाँ पर लिख दिया है. अब सेकेंड क्या है, इफ़ एट द टाइम ऑफ द फ्लड द गवर्नमेंट टेल्स पीपल टू इवैक्यूएट दैट दे शुड डू सो इमीडिएटली बिकॉज, अब जब अगर फ्लड का टाइम हो तो वो उनको जल्दी से क्यों इवैक्यूएट करना चाहिए, क्यों लीव करना चाहिए वो प्लेस, क्योंकि जो है वो रीज़न जो है आपको पिक करना है. ओके, सो व्हाई दे शुड डू दिस, क्यों उन्हें ये काम जल्दी से करना चाहिए, क्विकली ये वाला क्यों करना चाहिए, आप बॉक्स में देख लीजिए. यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि वो दोनों राइट हो सकते हैं. एक देखें, जैसे नंबर वन पे लिखा है दे मे गेट डिवास्टेड बाय द फ्लड, कि वो जो है वो फ्लड को तबाह कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है. या इट इज़ ऑन नंबर फोर वे भी आपको देखें, दे मे ड्राउन एट द फ्लड वाटर गेट्स टू देयर हाउसेज, अगर फ्लड वाटर उनके हाउसेज में आ जाएगा तो वो लोग डूब सकते हैं. तो बोथ मे बी, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट. तो आप, लेकिन मोस्ट सूटेबल लग रहा है वो फोर्थ लग रहा है आप, बट वन इज़ ऑल्सो राइट. सो दिस इज, वी विल राइट द आंसर, राइट द रीज़न इन द गिवन ब्लैंक. नाउ वी हैव नंबर थ्री. नंबर थ्री पर आप देख लीजिए, पीपल शुड यूज अ स्टिक टू चेक द ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग इन द फ्लड वाटर बिकॉज, क्यों कर लेना चाहिए उनको स्टिक, क्यों होल्ड करनी चाहिए चेक करने के लिए ग्राउंड को जब वॉक कर रहे हो फ्लड वाटर में, क्योंकि क्या हो सकता है. आप देखिए दिस नंबर सेकेंड में देखिए, दिस कैन प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम फॉलिंग इन अ डिच, ताकि वो इस चीज़ जो अगर वो स्टिक लेके चलेंगे तो वो किसी गड्ढे में या किसी होल में नहीं गिरेंगे. सो दिस इज इन दिस वे यू विल डू दिस एक्सरसाइज. आई हैव डन टू फॉर यू, एंड देन फोर फाइव सिक्स विल बी डन बाय योर सेल्फ. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. आपको हाउ मेनी एक्सरसाइजेस आई गेव यू, आई असाइन यू एक्सरसाइज नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन एक्सरसाइजेस. सो देयर आर, सो व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर टुडे, यू विल हैव टू सॉल्व एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज नंबर वन टू, सॉरी थ्री टू सेवन ऑफ यूनिट नंबर थ्री. ये आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, अपनी बुक में ही करनी है. इंशाल्लाह ताला वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. इंशाल्लाह, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम.